तो आइए बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारे नए सेक्शन 45 से, लेकिन उसके पहले हम एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं हमारा सेक्शन 39 से लेके 44। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 हमने देखा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन होम ऑल पार्टनर, जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है सब पार्टनर्स के बीच में, तभी उसको हम बोलते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। तो डिसॉल्यूशन का सिंपल मतलब है डिसकंटिन्यूशन ऑफ लीगल रिलेशनशिप। डिसकंटिन्यूशन ऑफ व्हाट? किसके बीच में? बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ फर्म, तब उसको हम बोलते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। लेकिन व्हेन ओनली वन और मोर पार्टनर रिटायर्स, या तो वन या मोर पार्टनर क्या हो जाता है, रिटायर्ड या बिकम्स incapacitated, becomes incapacitated from acting as a partner, from acting as a due to death, insolvency, insanity, due to death, insolvency, insanity, ठीक है? When one or more partner या तो retire होता है या तो become incapacitated, reasons क्या है उसके, वो partner नहीं रह सकता, क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि या तो उसकी death हो गई या तो insolvent हो गया या तो insanity. The relationship between जो partner retired हो गया या incapacitated हो गया है एंड बाकी अदर का रिलेशन क्या होता है, उन्हीं का उनका रिलेशन खत्म होता है, बाकी लन क्या कर सकते हैं, रेस्ट में डिसाइड टू कंटिन्यू, ठीक है? द रिलेशन बिटवीन सच पार्टनर एंड अदर इज डिसॉल्व, ये पार्टनर और बाकी का रिलेशन सिर्फ डिसॉल्व होता है और बाकी जन मिलके क्या कर सकते हैं, डिसाइड टू कंटिन्यू। इन सच केस देयर इज नो डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, तो ऐसे प्रैक्टिस का मतलब इस केस में डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म नहीं हुआ है, ऐसे केस में डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म नहीं हुआ है। ओनली क्या हुआ है, द पर्टिकुलर पार्टनर गोज आउट, द रिमेनिंग पार्टनर कैरी ऑन द बिजनेस, मतलब कोई पार्टनर सिर्फ बाहर गए, बाकी जन मिलके बिजनेस कैरी कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म ऑन अदर एंड होल फर्म इज डिसॉल्व, फर्म में डिसॉल्व क्या होती है, पूरी की पूरी फर्म ही डिसॉल्व होती है। टर्मिनेटेड रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप इज टर्मिनेटेड बिटवीन ईच एंड एवरी पार्टनर ऑफ द फर्म, मतलब अगर रिलेशन सबके बीच में टर्मिनेट होता है तो उसको हम बोलते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। लेकिन कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है या इनकैपेसिटेड हो गया किसी भी कारण के वजह से, तो वो और अदर पार्टनर के बीच का रिलेशन सिर्फ क्या हुआ है, डिसॉल्व हुआ है, उसका और अदर पार्टनर का रिलेशन क्या हुआ है, डिसॉल्व, लेकिन बाकी मिलकर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हैं। क्लियर हुआ सेक्शन 39, डेफिनेशन क्लियर है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसॉल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और वॉलेंट्री डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और वॉलेंट्री डिसॉल्यूशन, उसमें 40, 41, 42, 43 है विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट और वॉलेंट्री डिसॉल्यूशन में। पहला है 40, डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट, है ना, अ फर्म में भी डिसॉल्व, फर्म को डिसॉल्व कर सकते विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, फर्म डिसॉल्व होती है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर और इन अकॉर्डेंस विद कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, or in accordance with contract between the partner, firm is dissolved with the consent of all the partners or in accordance with contract between the partners. Agreement mein kya hota hai, ya to consent lo sabki ya fir contract mein kya likha hai wo dekh lo aur firm ko dissolve kar do. Section 40 bolta hai compulsory dissolution, firm is compulsorily dissolved, firm kya ho jati hai, firm kya ho jati hai, compulsory dissolution section 41, compulsory dissolution section 41, a firm is compulsory dissolved by adjudication of all partner. देखो क्या हुआ है ये लाइन कुछ इसका क्या मतलब है, सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए या फिर एक बचा और सारे के सारे क्या हो गए, इंसॉल्वेंट। तो देखो लाइन पढ़ना कुछ इस तरह है, by adjudication of all partner as insolvent or all of partner insolvent but one, मतलब एक बच्चा है सिर्फ अच्छा, बाकी सब क्या हो चुके हैं, इंसॉल्वेंट। ये इंग्लिश ड्राफ्टिंग कुछ अलग तरीके से है, तो याद करते समय ऐसे ही कर लो, बाय एडजुडिकेशन ऑफ ऑल पार्टनर और ऑल बट वन एज सॉल्वेंट, मतलब इसकी लाइन का मतलब क्या, या तो सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो चुके हैं या एक अच्छे से बचा और बाकी सारे क्या हो चुके हैं, इंसॉल्वेंट। तो उसमें भी फर्म को आपको क्या करनी पड़ेगी, डिसॉल्व करनी पड़ेगी। और बाय हैपनिंग ऑफ अगला एनी इवेंट, ऐसा कुछ इवेंट हुआ है कि अब क्या हो चुका है, विच मेक्स इट अनलॉफुल, ऐसा कुछ इवेंट हो चुका है जिससे अब इवेंट क्या हो चुका है, मतलब अगर आप बिजनेस करोगे तो वो क्या माना जाएगा, अनलॉफुल।
हाँ, तो ऐसा कुछ इवेंट हो चुका है विच मेक्स इट अनलॉफुल. किसको अनलॉफुल है? अब बिजनेस अगर आप कैरी करते हो तो वो चीज अनलॉफुल है. अगर आप बिजनेस कैरी करते हो तो वो चीज क्या है? अनलॉफुल है ना. बाय हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट विच मेक इट अनलॉफुल फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म टू बी कैरीड. बिजनेस कैरी करना अब अनलॉफुल हो चुका है क्योंकि कुछ ऐसा इवेंट हो चुका है. या फिर पार्टनर टू कैरी इट ऑन पार्टनरशिप. अब पार्टनर्स भी पार्टनरशिप नहीं रख सकते. तो ये है कंपल्सरी डिसॉल्यूशन के दो रीजन. पहला क्या है? बाय एडजुडिकेशन ऑफ ऑल और ऑल बट नॉट वन एज और बाय हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट विच मेक्स अनलॉफुल है ना फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म टू बी कैरीड ऑन और पार्टनर टू कैरी ऑन पार्टनरशिप. अब देखिए, आप मोर देन सेपरेट एडवेंचर और अंडरटेकिंग करते हो. व्हेन हाउएवर मोर देन सेपरेट एडवेंचर और अंडरटेकिंग सेपरेट और एडवेंचर और अंडरटेकिंग इज कैरिड आउट बाय हूम? फर्म. द इलीगलिटी ऑफ वन और मोर नॉट इटसेल्फ कॉज. सिर्फ देखो, हमारे एक दो तीन चार पांच एडवेंचर और अंडरटेकिंग चालू है. उसमें से एक या दो या तीन क्या हो चुके? इलीगल हो चुके. क्या हो चुके? तीन इलीगल. डज नॉट इटसेल्फ कॉज डिसॉल्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट? इफ अदर इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स लॉफुल एडवेंचर और अंडरटेकिंग. मतलब जो लॉफुल एडवेंचर और अंडरटेकिंग है वो डिसॉल्व नहीं होते. जो सिर्फ इलीगल है वो सिर्फ आपको डिसॉल्व करने हैं. क्लियर हुआ? तो अगर एक से ज्यादा एडवेंचर और अंडरटेकिंग चालू है और उसमें से कुछ मोर देन वन इलीगल हो चुके हैं, डज नॉट इटसेल्फ कॉज डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म. इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स लॉफुल एडवेंचर एंड अंडरटेकिंग. कोई डाउट? आगे देखिए, एग्जाम्पल भी देखा हमने. अ फर्म इज कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग अ पर्टिकुलर केमिकल. फर्म एक ऐसा केमिकल बनाती है, उसमें ही धंधा करती है. एंड लॉ पास विच बैन्स ऑन ट्रेडिंग ऑफ सच पर्टिकुलर केमिकल. लॉ ऐसा पास हुआ कि वो केमिकल की ट्रेडिंग क्या हो गई? बैन हो गई. द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल. सो द फर्म विल हैव टू बी कंपल्सरली डिसॉल्व. सेक्शन 41 क्लियर. 42 आता है, डिसॉल्यूशन ऑफ हैपनिंग सर्टन कॉन्टिजेंसीज. वापस देखिए, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर. फर्म क्या हो रही है? डिसॉल्व ऑन हैपनिंग ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिजेंसी. फर्म डिसॉल्व हो जाती है अगर नीचे चार दिए गए कॉन्टिजेंसीज में से कोई भी हो गई तो. सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर. मतलब कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है? जो सेक्शन 41 में सबसे पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है वो देखना है. मतलब व्हेन द फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर फिक्स्ड टर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म. अगर फर्म आपने दो साल के लिए बनाई है, तीन साल के लिए बनाई है, चार साल के लिए बनाई है, पांच साल ड्यूरेशन, तो जैसे ही वो टर्म एक्सपायर होता है फर्म डिसॉल्व हो जाती है. बाकी सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर. चाहो तो आगे भी कैरी कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि आपको डिसॉल्व करनी ही है. जरूरी है क्या डिसॉल्व करनी है? नहीं. आप उसको पार्टनरशिप एट विल वाले प्रोविजन में भी कंटिन्यू कर सकते हो. हमने देखा था कि सेक्शन 7 के उधर. यस, तो फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर फिक्स टर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ सेड टर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म. व्हेन द फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर और अंडरटेकिंग. फर्म किसके लिए कॉन्स्टिट्यूटेड है? किस लिए बनाई थी आपने? टू कैरी आउट मोर है ना एडवेंचर और अंडरटेकिंग. और वो कंप्लीट हो चुके हैं तो आप चाहो तो फर्म को डिसॉल्व कर सकते हो. किसी पार्टनर की डेथ हो चुकी है, आप चाहो तो फर्म को डिसॉल्व कर सकते हो. एक आधा पार्टनर को इंसॉल्वेंट हो चुका है, आप चाहो तो फर्म को डिसॉल्व कर सकते हो बाय एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट. तो ये चार कॉन्टिजेंसीज ऐसी है जहां आप इच्छा हो तो डिसॉल्व करो, वरना आप कंटिन्यू भी कर सकते हो. क्लियर? तो सेक्शन 40, 41, 42 क्लियर. नाउ आता है आपका डिसॉल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल. अगर आपकी पार्टनरशिप कौन सी है? वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल, द पार्टनर क्या कर सकता है? फर्म को डिसॉल्व कर सकता है बाय गिविंग व्हाट? नोटिस इन राइटिंग. किसको नोटिस देनी है? अदर पार्टनर्स, कि वो क्या करना चाहता है फर्म को? इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म. तो अगर विल वाली है तो आपको किसी को कोई पूछना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, सिर्फ एक राइटिंग में नोटिस देनी है कि भाई मैं फर्म को डिसॉल्व करना चाहता हूं, और अपना इंटेंशन कम्युनिकेट कर दो. किसको? बाकी पार्टनर्स को. चलिए, व्हाट विल बी द डेट ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म? अगर डेट मेंशन है किसमें? नोटिस में. जैसे आज आपने भेजी है नोटिस,
क्या तारीख है? 18 फेब। आपने बोला 28 फेब से हम फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं या 31 मार्च से, जो भी डेट आपने डाली है नोटिस में, तो जो नोटिस में डेट डाली है वो डेट रहेगी डिसॉल्यूशन की डेट। अगर आपने कोई डेट नहीं डाली है, इफ नो डेट इज मेंशन इन नोटिस, द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस, जो कि क्या है 18 फेब। द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस क्या है? 18 फेब। ठीक है, क्लियर। तो डिसॉल्यूशन में आपको दो ही प्रोविजन दिए हुए इन्होंने डिसॉल्यूशन के, एट विल के। एक तो इंटेंशन बता दो बाकी पार्टनर्स को राइटिंग में लिख के कि आप फर्म को क्या करना चाहते हो डिसॉल्व। राइटिंग में नोटिस दे दो, आई हैव डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म फ्रॉम दिस डेट, खत्म। क्योंकि विल वाली है, कोई पूछने के 40 वाला यूज करने की जरूरत नहीं है, 41 का तो विषय नहीं है और 42 का कोई संपर्क संबंध ही नहीं है, विल वाली है। इन केस डेट अगर आपने मेंशन की है तो जो डेट आपने मेंशन की है वही क्या डेट रहेगी डिसॉल्यूशन की। लेकिन अगर आपने कोई डेट नहीं डाली है तो क्या होगा? ओके, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए आगे, डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट ऑर्डर। डिसॉल्यूशन कौन कर रहा है ये? देखो, जब पार्टनर खुद कर लेते तो बात ही नहीं आती, लेकिन पार्टनर खुद नहीं कर पा रहे तभी तो वो किसका दरवाजा खटखटा रहे? कोर्ट का। चलिए, पहला क्या है? इनसैनिटी, अनसाउंड माइंड। When a partner, not sleeping partner, क्या बन चुका है? अब वो साउंड माइंड का नहीं है पार्टनर। क्या नहीं है? साउंड माइंड का हो नहीं है, मतलब अनसाउंड माइंड का हो चुका है कौन? पार्टनर। अदर देन स्लीपिंग पार्टनर क्या बन चुका है? तो कोर्ट क्या कर सकती है फर्म को? किसके सूट पे? अदर पार्टनर या फिर नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ इंसेंट पार्टनर। टेम्पररी सिकनेस इज नो ग्राउंड फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। टेम्पररी सिकनेस को डिसॉल्यूशन का ग्राउंड नहीं बना सकते। अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो चुका है तो किसी भी एप्लीकेशन पे, किसी पार्टनर के या उसके फ्रेंड, नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ इंसेंट पार्टनर के एप्लीकेशन पे कोर्ट क्या करेगी? फर्म को डिसॉल्व कर देगी। चलिए आगे, परमानेंट इनकैपेसिटी। परमानेंट इनकैपेसिटी व्हेन अ पार्टनर अदर देन पार्टनर सुइंग। देखो, खुद ही खुद को इनकैपेसिटी बनाने तो जाएगा नहीं, तो जो सू करने जा रहा है उस कौन पार्टनर? अदर पार्टनर। तो जो पार्टनर टेम्पररी इनकैपेबल हो चुका है, सॉरी टेम्पररी नहीं, परमानेंटली क्या हो चुका है वो? इनकैपेबल। तो व्हेन अ पार्टनर अदर देन सुइंग पार्टनर हैज इन एनी वे बिकम व्हाट? परमानेंटली इनकैपेबल। परमानेंटली क्या बन चुका है? इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज। परमानेंटली क्या हो चुका है पार्टनर? इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज। कोर्ट क्या करेगी? परमानेंट इनकैपेसिटी में रिजल्ट फ्रॉम व्हाट? व्हाट? फिजिकल डिसेबिलिटी और इलनेस। परमानेंट इनकैपेसिटी किसके कारण? फिजिकल डिसेबिलिटी और इलनेस। तो परमानेंटली इनकैपेबल हो गया है पार्टनर क्या परफॉर्म करने से? अपनी ड्यूटीज। तो कोर्ट क्या करेगी? फर्म को डिसॉल्व का आदेश दे देगी। मिसकंडक्ट, पार्टनर अगर बिहेवियर गलत है ना, बिहेवियर गलत है, गिल्टी है किसका? ऑफ कंडक्ट, है ना। पार्टनर अदर देन सुइंग पार्टनर इज गिल्टी ऑफ कंडक्ट विच इज लाइकली टू प्रिजुडाइसली, विच इज लाइकली टू बी प्रिजुडाइसली, विच इज लाइकली टू बी प्रिजुडाइसली कैरिंग ऑन बिजनेस, विच इज लाइकली टू अफेक्ट प्रिजुडाइसली, आपके बिजनेस को वो बहुत गंदे तरीके से अफेक्ट कर रही है, क्योंकि वो क्या है पार्टनर? गिल्टी ऑफ कंडक्ट, मतलब उसका व्यवहार गलत है, उसका बिहेवियर बिजनेस रिलेटेड भी गलत हो गया तो भी ठीक है, और पर्सनली खराब हुआ तो भी हम फॉर्म को डिसॉल्व करवा सकते हैं। अब कोर्ट क्या करेगी? डिसॉल्यूशन का ऑर्डर दे देगी। कोर्ट क्या करेगी? डिसॉल्यूशन का ऑर्डर दे देगी बाय गिविंग रिगार्ड्स टू नेचर ऑफ बिजनेस। मैंने आपको एग्जांपल बनाया था, है ना, वापस वही एग्जांपल क्लिमाक में रखो। अपना ही एक टीचर बाहर जाके टपोरीगिरी करता है, तो टपोरीगिरी करता है तो क्या हो रहा है? मेरे बिजनेस को इंपैक्ट कर रहा है क्या नहीं कर रहा? भलाई वो बिजनेस रिलेटेड नहीं कर रहा है, वो बाहर जाके कर रहा है, इधर कुछ नहीं कर रहा। तो पॉइंट ये नहीं है कि वो टपोरीगिरी किधर करता है, पॉइंट ये है कि टपोरीगिरी के कारण बिजनेस अफेक्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो लिखा देखो, इट इज नॉट नेसेसरी मिसकंडक्ट मस्ट रिलेट टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस। नेसेसरी नहीं है कि मिसकंडक्ट मस्ट रिलेट टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? उसका इफेक्ट ऑन बिजनेस, उसका एडवर्स इफेक्ट ऑफ किसका? मिसकंडक्ट का ऑन बिजनेस। द ईच नेचर ऑफ बिजनेस, इन ईच केस नेचर ऑफ बिजनेस डिसाइड करेगा वेदर द एक्ट इज मिसकंडक्ट और नॉट।
whether the act is misconduct or not. कौन डिसाइड करेगा? नेचर ऑफ बिजनेस डिसाइड करेगा whether act is misconduct or not. कौन डिसाइड करेगा? नेचर डिसाइड करेगा कि whether the act is misconduct or not. कौन डिसाइड करेगा? क्या डिसाइड करेगा? एक्ट मिसकंडक्ट है या नहीं. तो पार्टनर अदर देन सुइंग पार्टनर, क्या मिला आपको? गिल्टी ऑफ कंडक्ट, जिसके कारण क्या हो रहा है, विच इज लाइकली टू अफेक्ट प्रिजुडाइसली, किसको अफेक्ट होगा? कैरिंग ऑन बिजनेस. तो कोर्ट क्या बोलेगा, किसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ये ऑर्डर देगा? रिगार्ड्स टू द नेचर ऑफ बिजनेस. इट इज नॉट नेसेसरी मिसकंडक्ट मस्ट रिलेट टू. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एडवर्स इफेक्ट ऑफ, हाँ, एडवर्स इफेक्ट ऑफ मिसकंडक्ट ऑन बिजनेस. इन ईच केस नेचर ऑफ बिजनेस डिसाइड करेगा वेदर एक्ट इज मिसकंडक्ट और नॉट. कौन डिसाइड करेगा मिसकंडक्ट है या नहीं? नेचर ऑफ बिजनेस. क्लियर हुआ? परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, अगला पॉइंट है परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट. बार बार आप एग्रीमेंट का क्या कर रहे हो? ब्रीच कर रहे हो. रिलेटिंग टू वॉट? मैनेजमेंट ऑफ अफेयर. रिलेटिंग टू वॉट? कंडक्ट ऑफ दिस बिजनेस. और कुछ ऐसा करते हो जिससे बाकी पार्टनर के लिए रीजनेबली प्रैक्टिसेबल नहीं है कि वो उस पार्टनर के साथ पार्टनरशिप, वो अपने आप को कुछ इस तरह कर रहा है कि इस ऐसे मैटर में लेके जा रहा है जाके बाकी पार्टनर को ये पॉसिबल नहीं कि उसके साथ पार्टनरशिप कर सके. वेयर अ पार्टनर अदर देन सुइंग पार्टनर विलफुली और परसिस्टेंटली, जानबूझ के या बार बार, वेयर अ पार्टनर अदर देन सुइंग पार्टनर विलफुली और परसिस्टेंटली कमिट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द फर्म. रिलेटिंग टू व्हाट? मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द फर्म. कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस. Otherwise so conduct himself, अपने आप को, otherwise so conduct himself in matter relating to business. It is not reasonably practicable. किसके लिए? Others partners के लिए. क्या नहीं है reasonably practicable? To carry on business in partnership with him. Court क्या करेगी? कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म एट द इंस्टेंस ऑफ एनी पार्टनर. यहां पे बार बार एग्रीमेंट का ब्रीच करता है कोई पार्टनर, सिंपल है, मैनेजमेंट के रिलेटेड, कंडक्ट के रिलेटेड या और कुछ भी जिससे अब इसके साथ पार्टनरशिप करना अच्छा नहीं है, ऐसा बाकी पार्टनर को समझ में आ गया है, तो सिंपल है, जो भी पार्टनर सू करेगा ही ना तो कोर्ट डिसॉल्व कर सकती है. क्लियर? अगर बार बार एग्रीमेंट का क्या हो रहा है? ब्रीच हो रहा है. चलिए नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट आपने सेक्शन 29 में देखा था, पार्टनर इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है, मॉर्गेज, एब्सोल्यूट, क्रिएशन ऑफ चार्ज. अब यहां पे भी क्या हो रहा है? व्हेन पार्टनर अदर देन सुइंग पार्टनर क्या कर चुका है? ट्रांसफर द होल इंटरेस्ट. क्या कर चुका है? ट्रांसफर द होल इंटरेस्ट. किधर ट्रांसफर कर चुका है वो इंटरेस्ट? थर्ड पार्टी को. किधर ट्रांसफर कर चुका है? पार्टनर अपना इंटरेस्ट किसको ट्रांसफर कर चुका है? या फिर अलाउड ही शेयर, है ना, हैज अलाउड ही शेयर टू बी चार्ज और सोल्ड. हैज अलाउड ही शेयर टू बी चार्ज और सोल्ड. उसने अलाउ किया अपने शेयर को चार्ज पे या सोल्ड किया. किसने सोल्ड करने को अलाउड, किसको दिया उसने वो अधिकार? कोर्ट को. और कोर्ट को किस चीज के लिए, क्यों दिया? इन द रिकवरी ऑफ अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू. मतलब आपने लैंड टैक्स भरा नहीं है, म्युनिसिपल टैक्स भरा हुआ नहीं है, प्रॉपर्टी वाला टैक्स आपने भरा नहीं है, तो इसके लिए कोर्ट को आपको देना ही पड़ा वो पर, मतलब कोर्ट को आपके प्रॉपर्टी पे अटैचमेंट निकालना था, तो प्रॉपर्टी ने आपके फर्म वाले इंटरेस्ट पे अटैचमेंट लगा दी कि भाई उधर से वसूल करो. तो देखो उसके कारण फर्म को इंपैक्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा? हो रहा है. फर्म इंपैक्ट हो रही है क्या नहीं हो रही? गुडविल खत्म होगी. देखो इनके पार्टनर के पास तो लैंड म्युनिसिपल टैक्स भरने का पैसा नहीं है. म्युनिसिपल टैक्स जितना पैसा नहीं उस पार्टनर के पास पर्सनली, और उसने अपना चार्ज सोल्ड कर दिया शेयर या फिर चार्ज पे रख दिया और कोर्ट ने वो रिकवरी में यूज कर लिया. तो यहां पे भी कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म एट द इंस्टेंस ऑफ एनी अदर पार्टनर. तो वेयर अ पार्टनर क्या कर चुका है? अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर चुका है. किसको? थर्ड पार्टी को. और अलाउड हिज शेयर टू बी चार्ज. अपना शेयर उसने चार्ज करने पे छोड़ दिया, अलाउ किया किसको? कोर्ट को. या फिर सोल्ड कर दे. किसके लिए? रिकवरी ऑफ अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू बाय पार्ट ड्यू बाय पार्टनर. द कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म एट द इंस्टेंस ऑफ एनी अदर पार्टनर.
अगला है कंटिन्यूअस और परपेंचुअल लॉसेस. कंटिन्यूअस लॉसेस है, परपेंचुअल लॉसेस है. वेयर द बिजनेस ऑफ फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एज लॉस इन फ्यूचर ऑल्सो. बिजनेस अगर आपको फर्म का कैरी करना है तो करो, लेकिन वो भी फ्यूचर में कैसे कैरी हो सकता है सिर्फ और सिर्फ लॉस के साथ. तो मेरे को बताइए, अब फ्यूचर में भी अपने को पता चल चुका है लॉस ही है, तो क्या करना बढ़िया बेटा? डिसॉल्व करना ही बढ़िया है. तो कोर्ट क्या कर देगी? ऑर्डर दे देगी फॉर इट्स डिसॉल्यूशन. क्या बढ़िया है? डिसॉल्यूशन. बिजनेस तो कैरी कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट फॉर, है ना, सिर्फ और सिर्फ लॉस है, है ना. द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड एक्सेप्ट लॉस इन फ्यूचर ऑल्सो, द कोर्ट में ऑर्डर फॉर डिसॉल्यूशन. अब ये जो नीचे लास्ट पॉइंट है, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, ये कोर्ट को लगता है कि इक्विटेबल है ताकि किसी के साथ भी गलत ना हो, सबके साथ समानता रहे. द कोर्ट कंसिडर एनी अदर ग्राउंड टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल फॉर द डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म. कोर्ट कोई बहुत सारे ग्राउंड है जहां कंसिडर कर सकती है उसको, किसके लिए? डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म के लिए, है ना. वेयर द कोर्ट कंसिडर एनी अदर ग्राउंड जो क्या है, जस्ट एंड इक्विटेबल है, किस चीज के लिए? फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म. इट मे डिसॉल्व द फर्म. तो उस केस में क्या कर सकती है? डिसॉल्व. अब देखो, मैनेजमेंट में एक दूसरे में बातें ही नहीं हो रही, डेडलॉक है किसमें? जब मैनेजमेंट एक दूसरे से बातें नहीं करना चाहता तो क्या बढ़िया है बेटा? डिसॉल्यूशन के बराबर और कोई उपाय नहीं, तो डिसॉल्व करना ही ज्यादा बेटर है. आगे, वेयर पार्टनर्स आर नॉट टॉकिंग बिटवीन टर्म्स बिटवीन देम. पार्टनर एक दूसरे के साथ बातें ही नहीं करते, टर्म्स की बातें ही नहीं करते, एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं समझ रहे, तो क्या करना बढ़िया है? सबके साथ इक्विलिटी रखो, डिसॉल्व करो, बात खत्म. जब आपको एक साथ काम ही नहीं करना है तो खत्म ही करो, फिर डिसॉल्व करो फर्म को. लॉस ऑफ सस्टेंटम, जिस पर्पस के लिए आपने फर्म बनाई थी वही क्या हो गया? आपका पर्पस ही खत्म हो गया. लॉस ऑफ सस्टेंटम. एंड गैम्बलिंग माय पार्टनर ऑन स्टॉक एक्सचेंज. फर्म का पैसे से अगर स्टॉक एक्सचेंज पे लगाओगे तो पार्टनर कितना सहन करेगा? कितना सहन करेगा? ठीक है, तो डेडलॉक हो गया. किसमें हो गया? मैनेजमेंट में डेडलॉक हो गया. या फिर पार्टनर्स आर नॉट टॉकिंग टर्म्स बिटवीन देम. अब टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे. लॉस ऑफ सस्टेंटम एंड गैम्बलिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज बाय पार्टनर. तो दिस आर द 7 पॉइंट्स वेयर कोर्ट डिसॉल्व द फर्म एट द इंस्टेंस ऑफ एनी पार्टनर. कोर्ट को तो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी. पहला है इंसैनिटी, अनसाउंड माइंड. दूसरा है परमानेंट इनकैपेसिटी. तीसरा मिसकंडक्ट. चौथा परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट. परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट किस किस चीज का कर सकते हो आप? एम्ब्लेजमेंट मतलब कैश की चोरी, कीपिंग इनोरियस अकाउंट, जो अकाउंट आप रखते हो वो गलत तरीके से रख रहे हो, होल्डिंग कैश मोर देन अलाउड, आपको बोला है इतना कैश नहीं रखना फिर भी आप रख रहे हो, रिफ्यूजल टू शो अकाउंट डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट. जो पार्टनर अकाउंट देख रहा है उसको बोलते हैं भाई बाकी पार्टनर्स अकाउंट दिखा लेकिन वो दिखाता नहीं है, तो वहां पे भी उसने परसिस्टेंटली क्या कर दिया? ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट. बार बार आप एक अग्रीमेंट का क्या कर रहे हो? ब्रीच. फिर हमने देखा इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया, उससे इज्जत का फलूदा हो रहा है मार्केट में. ट्रांसफर इंटरेस्ट करने से मार्केट में इज्जत का फलूदा हो रहा है, इसके लिए हम फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं. कंटिन्यूअस और परपेंचुअल लॉसेस एंड लास्ट जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड. तो दिस आर द थिंग्स जब कोर्ट डिसॉल्व करती है, लेकिन इसके लिए कोई पार्टनर को सू करना पड़ता है. चलिए, नाउ डिसॉल्व होने के बाद की प्रोसीजर क्या है? अब आपका सेक्शन चालू होता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसॉल्यूशन. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसॉल्यूशन, इन्होंने बोला है 45 से 55, लेकिन आपके बुक्स में 49 लास्ट है. 49 लास्ट है. देखिए, बहुत इजी है, बहुत समझदारी का सेक्शन है. डिसॉल्यूशन की भी नोटिस बाहर थर्ड मतलब पब्लिक में देनी है. जब तक आप डिसॉल्यूशन की नोटिस नहीं देते, ए बी सी ये पार्टनरशिप फॉर्म है, इन्होंने डिसॉल्व कर ली, डिसॉल्यूशन की नोटिस नहीं देते हो, और कोई भी पार्टनर कुछ भी एक्ट करता है थर्ड पार्टी के लिए, किसके लिए? यह ऐसा ही माना जाएगा अगर फर्म डिसॉल्व नहीं होती तो कौन कर रहा है ये एक्ट? फर्म. क्या माना जाएगा अगर फर्म डिसॉल्व नहीं होती तो ये एक्ट किसका है? मतलब वो ऐसा एक्ट है अगर फर्म डिसॉल्व नहीं होती तो एक्ट किसका दिखता? फर्म का. अगर फर्म डिसॉल्व नहीं होती तो एक्ट किसका दिखता? फर्म का. तो कौन लायबल है उस थर्ड पार्टी को? फर्म लायबल है अगर डिसॉल्यूशन की नोटिस पब्लिक में आपने नहीं दी. चलिए, नॉट विथ स्टैंडिंग द डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, भले ही आपने फर्म को क्या कर लिया है? डिसॉल्व कर लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता. पार्टनर कंटिन्यू टू बी लायबल एज टू सच थर्ड पार्टी. पार्टनर कंटिन्यू टू बी लायबल एज सच टू थर्ड पार्टी फॉर एनी एक्ट डन बाय एनी ऑफ देम. किसी ने भी एक्ट किया, चाहे ए ने किया, बी ने किया, सी ने किया,
क्योंकि वो एक्ट किसका माना जाएगा, विच वुड हैव बीन एक्ट, वो एक्ट कैसा दिख रहा है कि किसने किया होगा, फर्म ने, विच वुड हैव बीन एक्ट ऑफ द फर्म, विच वुड हैव बीन एक्ट ऑफ द फर्म इफ डन बिफोर डिसॉल्यूशन अंटिल द पब्लिक नोटिस इज गिवन ऑफ द डिसॉल्यूशन। जब तक पब्लिक नोटिस डिसॉल्यूशन की नहीं देते, पार्टनर कंटिन्यू टू बी लायबल को टू थर्ड पार्टी, है ना, किस चीज के लिए, फॉर एनी एक्ट, है ना, एनी एक्ट डन बाय एनी ऑफ देम, क्योंकि वो एक्ट किसका दिखता है, व्हिच वुड बीन एक्ट ऑफ पार्टनरशिप, व्हिच वुड हैव बीन एक्ट ऑफ फर्म इफ डन बिफोर डिसॉल्यूशन अंटिल द पब्लिक नोटिस ऑफ डिसॉल्यूशन इज गिवन। तो डिसॉल्व हो जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थर्ड पार्टी कंटिन्यू टू बी लायबल, जब तक पब्लिक नोटिस, सॉरी थर्ड पार्टी नहीं, पार्टनर्स कंटिन्यू बी लायबल टू द थर्ड पार्टी, जब तक आप डिसॉल्यूशन की नोटिस नहीं देते। चलिए आगे देखिए, मैंने आपको ये लिखवा दिया था, वही याद करिए, इंसॉल्वेंट पार्टनर की लायबिलिटी कब से खत्म, फ्रॉम द डेट ही एडजोंटिकेटेड एंड फ्रॉम द डेट ऑर्डर ऑफ एडजोंटिकेशन ऑफ इंसॉल्वेंट इज मेड, उसकी लायबिलिटी कब से खत्म, जिस दिन से ऑर्डर ऑफ एडजोंटिकेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी हो गया। फिर हमने देखा डेथ में कब से लायबिलिटी खत्म, फ्रॉम द डिसीज पार्टनर की कब से खत्म, फ्रॉम द डेट ही डेट ऑफ डेथ ही इज नॉट लायबल टू द फर्म, ही इज नॉट लायबल टू द एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ, फ्रॉम द डेट आफ्टर हिज डेथ, उस दिन से वो लायबल नहीं। वैसे स्लीपिंग पार्टनर कब से लायबल नहीं है फर्म को, ही इज नॉट लायबल टू द एक्ट ऑफ द फर्म, फ्रॉम द डेट ही रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, लिखवाया था क्या ये, नीचे भी वही लिखा है, आप वो पढ़ो तो ठीक है, वरना मैंने आपको बता दिया। तीन लोग नोटिस का वेट नहीं करते, कौन, स्लीपिंग पार्टनर, डिसीज पार्टनर, इंसॉल्वेंट, इन तीनों को पब्लिक नोटिस की आवश्यकता नहीं है, और बाकी जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देते तब तक आप लायबल हो। ये पढ़ा था हमने रिटायरमेंट में सेक्शन 32, आपको सेक्शन की सीरीज दी थी, 31 से लेके 35 में पार्टनर आना और जाना है, उसमें से 31 सिर्फ एक ही है जो आता है, 32 कॉल किसे भेजता है, रिटायरमेंट 33, एक्सपल्सन 34 और इंसॉल्वेंसी, कान पड़ा दू क्या, 5 डेथ, 5 कैसा, हाँ, उसके बाद 36 किसका है, कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकते हो क्या नहीं, कर सकते हो, कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकते हो क्या नहीं, कर सकते हो, उसके बाद 37 किसका है, राइट ऑफ, एंड 38 किसका था, गारंटी क्या हो जाती है, सेक्शन तुमको फोकस करने को बोला है, कैसे याद रखना है, 31 से लेके 35 में आना और जाना है, 31 से लेके 35 में क्या है, पहले कैसे आता है, फिर पहले जाएगा कैसे, रिटायरमेंट, फिर निकाल दिया जाएगा, एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंसी, डेथ, 36 बोलता है बिजनेस कर सकता है, 37 बोलता है राइट क्या है उसका, ध्यान रखो सेक्शन, तो अभी वो काम कैसे आएगा देखो, है ना, तो सेक्शन 45 किसका है, लायबिलिटी फॉर द पार्टनर डन आफ्टर डिसॉल्यूशन, कब तक लायबल है, जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देते डिसॉल्यूशन की, तब तक पार्टनर लायबल है किसको, थर्ड पार्टी को, पार्टनर लायबल है किसको, कौन से एक्ट के लिए, है ना, फॉर एनी एक्ट डन बाय एनी ऑफ देम, जो कि एक्ट किसका माना जाएगा, फर्म का। चलिए आगे आगे एग्जाम्पल देखो, एनालिसिस में क्या लिखा है देखो, इट सीक्स टू प्रोटेक्ट थर्ड पार्टी डीलिंग विद द फर्म हु हैड नो नोटिस ऑफ प्रायर डिसॉल्यूशन। इस सेक्शन का वेरी पर्पस क्या है, थर्ड पार्टी को पता ही नहीं फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, पार्टनर उससे काम धंधा करा रहे हैं, इसके लिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड दूसरा, इट ऑल्सो सीक टू प्रोटेक्ट पार्टनर ऑफ डिसॉल्व फ्रॉम लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। पब्लिक नोटिस दे दी तो पार्टनर्स भी तो लायबल नहीं रहेंगे अब दोनों है। आगे एक्स एंड वाई हु कैरिड ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप फॉर सेवरल ईयर एग्जीक्यूटेड ऑन डिसंबर 1 डिड डिसॉल्विंग द पार्टनरशिप फ्रॉम डेट बट फेल्ड टू गिव पब्लिक नोटिस ऑफ डिसॉल्यूशन। डेथ हुई थी किसकी, डेथ नहीं ना, सॉरी, ऑन डिसंबर 20th एक्स बोरोड इन द फर्म नेम अ सर्टन मनी ऑफ मनी फ्रॉम आर हु वाज इग्नोरेंट ऑफ इन केस वाई ऑल्सो वुड बी लायबल फॉर द अमाउंट बिकॉज नो पब्लिक नोटिस वॉज गिवन। एक्सेप्शन क्या है, किसको किसको है, सिर्फ डिसीज पार्टनर को, इंसॉल्वेंट और स्लीपिंग पार्टनर, क्लियर। आगे
राइट ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर रिजोल्यूशन, किसका राइट है ये? पार्टनर भाई, एक बार का सब क्लोज करो, असेट्स लायबिलिटी को जीरो करो, ये किसका अधिकार है? हर एक पार्टनर का। तो डिसोल्यूशन ही खत्म नहीं कर रहा है तो वो क्या मतलब है? तो पूरे बुक्स क्लोज करो, ये हर एक पार्टनर का अधिकार है, पहले असेट्स रिलीज करो, पहले लायबिलिटीज चुकाओ और बचाव अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देखिए, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एवरी पार्टनर और इज रिप्रेजेंटेटिव, डिसॉल्व होने के बाद फर्म एवरी पार्टनर और इज रिप्रेजेंटेटिव एंटाइटल किसके अगेंस्ट? ऑल पार्टनर एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। सबसे पहले प्रॉपर्टी किसमें अप्लाई की जाएगी? हाँ, इन पेमेंट ऑफ डेट्स, इन पेमेंट ऑफ डेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ फर्म, टू हैव प्रॉपर्टी अप्लाइड इन पेमेंट ऑफ डेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ फर्म। ठीक है, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एवरी पार्टनर, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एवरी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव, एवरी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव इज एंटाइटल अगेंस्ट ऑल पार्टनर, एवरी पार्टनर है ना, एवरी पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव LR अगेंस्ट ऑल पार्टनर और हिज, कि भाई पहले प्रॉपर्टी किसको अप्लाई किया जाए? डेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ फर्म, और सरप्लस कुछ बच जाए एंड हैव सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट। सरप्लस किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो? अमोंग पार्टनर और देयर रिप्रेजेंटेटिव अकॉर्डिंग टू देयर राइट्स, अकॉर्डिंग टू देयर राइट्स। क्लियर? कोई डाउट? याद हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है? दिमाग में घुस रहा है क्या? नहीं घुस रहा है? तो ये है सेक्शन 46, क्या बोल रहा है? राइट ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस वाउंड अप, राइट है किसका? टू बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन, राइट ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस वाइंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन। तो क्या है? ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एवरी पार्टनर एंड उसका LR को अधिकार है अगेंस्ट अदर पार्टनर एंड LR टू अप्लाई प्रॉपर्टी इन पेमेंट ऑफ डेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ फर्म। जो प्रॉपर्टी फर्म की रिलीज हो रही है वो किसमें पे, किसके पेमेंट के लिए यूज करनी है? पहले डेट्स एंड लायबिलिटी किसकी? फर्म की। फिर अगर कोई सरप्लस बच जाए तो किसमें डिस्ट्रीब्यूट करो? अमोंग देमसेल्फ है ना, अमोंग द पार्टनर एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव अकॉर्डिंग टू देयर राइट्स। कोई डाउट? तो ये हर एक पार्टनर का अधिकार है आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बिजनेस को वाइंड अप करें। अब आता है डिसोल्यूशन के लिए क्या पार्टनर्स की अथॉरिटी को कंटिन्यू रखना पड़ेगा क्या नहीं? पार्टनर्स को बाइंड करने का अधिकार है या नहीं फर्म को? इंप्लाइड अथॉरिटी। तो अब डिसोल्यूशन के लिए भी वो अधिकार उनके पास होने चाहिए क्या नहीं? डिसोल्यूशन के लिए कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे तो उनके पास वो अधिकार होना चाहिए क्या नहीं? होना चाहिए। और वो अधिकार सिर्फ कंटिन्यू रहेंगे डिसोल्यूशन पर्पस के लिए और किसी पर्पस के लिए नहीं। डिसोल्यूशन पर्पस के लिए वो अधिकार क्या रहेंगे? कंटिन्यू में रहेंगे। और जो ट्रांजेक्शन डिसोल्यूशन के पहले चालू हो गए थे लेकिन अभी तक वो फिनिश नहीं हुए उसको कंप्लीट करने के लिए ही अपनी अथॉरिटी क्या रहेगी? कंटिन्यू रहेगी। बाकी किसी और चीज के लिए वो अथॉरिटी कंटिन्यू नहीं रहेगी। कंटिन्यू अथॉरिटी ऑफ पार्टनर फॉर द पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप, अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? वाइंडिंग अप के लिए कंटिन्यूड है। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म Authority of each partner to bind the firm. हर एक पार्टनर का अधिकार था क्या नहीं वो फर्म को बाइंड करता था? डिसोल्यूशन के बाद क्या बोल रहे? देखो, authority of each partner to bind the firm as well as other mutual rights and obligation of partner continue not standing with dissolution. एक तो authority to bind the firm और other rights and obligation क्या है पार्टनर की? कंटिन्यू रहती है भले ही डिसोल्व हो गई हो फर्म, कोई फर्क नहीं पड़ता। As far as may be necessary to wind up the affairs of firm. किसके लिए जरूरी? किसके लिए कर रही है? Continue authority क्यों दी गई है? जितना जल्दी हो सके wind up करे क्या? Affairs of the firm and to complete the transaction begin but unfinished and to complete the transaction begin but at the time of dissolution but not otherwise. और किसी चीज के लिए आपको authority continue नहीं है और किसी अथॉरिटी आपकी कंटिन्यू नहीं है। क्लियर हुआ? आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अथॉरिटी, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पार्टनर की अथॉरिटी टू बाइंड द फर्म ऑन अदर म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर क्या होती है? कंटिन्यूड नॉट वेट स्टैंडिंग द डिसोल्यूशन। डिसोल्व हो गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटिन्यूड। लेकिन वो सिर्फ और किसके लिए? As far as may be necessary, किसके लिए necessary है? क्योंकि to wind up the affairs of
firm and to complete the transaction begin but unfinished at the time of dissolution, not otherwise. अगला सेक्शन बहुत सिंपल है, क्या बोल रहा है देखिए. प्रोवाइडेड दैट फर्म इन नो केस बाउंड बाय द एक्ट ऑफ पार्टनर हु हैज बीन एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट. ये पता है क्या नहीं, इंसॉल्वेंट पार्टनर का कोई भी एक्ट हमें बाइंड करता है क्या? नहीं करता. ये हमने पढ़ा था सेक्शन 34. फर्म इज ऑल्सो नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन. बट दिस प्रोविजन डज नॉट अफेक्ट द लायबिलिटी ऑफ एनी पर्सन who has after the adjudication. लेकिन insolvent होने के बाद भी अगर वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है मैं क्या हूं, फिर होल्डिंग आउट के कारण सेक्शन 28 याद है. होल्डिंग आउट क्या बोलता है, पर्सन ने क्या किया, अपने आप को रिप्रेजेंट किया या फिर परमिट किया अपने आप को क्या करने से, रिप्रेजेंटेड एज पार्टनर. If person represented himself or permitted other to represent himself as partner, तो क्या है वो liable. क्या है वो liable है as any other partner in firm, as any other partner in firm. लेकिन वो भी किसके लिए, जिसके सामने वो represent हुआ उसके लिए और जिसने credit दिया. Who on the faith of such representation, जिसके सामने वो represent हुआ उसी के सामने. Who on the faith of such representation given credit to the firm. तो holding out क्या बोलता है, partner represented himself or permitted other to represent himself as partner in a firm like any other partner. तो simple है, वो भी एक partner है उधर फिर, है ना. He is also liable like any other partner in a firm. He also liable for, है ना, liable like any other partner in a firm who on the faith of such representation. मतलब वो उन्हीं को लाइबल है जिसके सामने रिप्रेजेंट हुआ है और जिसने उस रिप्रेजेंटेशन पे फेथ रखा है. समझ गए हो. तो वहां पे भी यही बोला है, भले ही जो इंडिकेट हो चुका है पार्टनर तो उसका एक्ट हमें लाइबल करता है क्या, नहीं करता, लेकिन फिर भी वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि वो हमारा पार्टनर है, तो फिर वो अभी भी थर्ड पार्टी को लाइबल है. लिखा है देखो, आफ्टर एडजुडिकेशन रिप्रेजेंट किया हिमसेल्फ और नोइंगली परमिटेड हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज पार्टनर ऑफ इंसॉल्वेंट. तो अभी भी रिप्रेजेंट हो रहे हो तो फिर डज नॉट अफेक्ट द लायबिलिटी ऑफ एनी पर्सन, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है, बाउंड है क्या, नहीं है. लेकिन फिर प्रोविजो है, प्रोविजो मतलब अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो आप लायबल हो, आप अपने आप को, भले ही आप एडजुडिकेशन क्या हो चुका है आपका एज अ इंसॉल्वेंट, उसके बाद भी आप लायबल. मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स सेक्शन 48. एक बार देखो, इन सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आफ्टर डिसॉल्यूशन द फॉलोइंग रूल सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बाय पार्टनर बी ऑब्जर्व. अकाउंट सेटल करने के लिए डिसॉल्यूशन के बाद रूल्स आपको नीचे वाले देखने हैं सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बाय पार्टनर. पहला क्या है, लॉसेस है, क्या है, इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी किसकी, शल भी पहले किधर से पे की जाएगी, फिर एंड फिर भी कम पड़ रहा है, इफ नेसेसरी बाय पार्टनर्स इंडिविजुअली इन द प्रोपोर्शन इज विद एंटाइटल टू शेयर प्रॉफिट. फिर भी कम पड़ रही है, प्रॉफिट से दे दिया, कैपिटल से दे दिया, फिर भी कम पड़ रही है, तो पार्टनर से इंडिविजुअली मंगाना है, कौन से रेशियो में मंगवाना है और वो सेट ऑफ करना है. तो लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट, कैपिटल. लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी किसकी, पहले किधर से पे होगी, उसके बाद, उसके बाद necessary by partner individually, partner pay karenge individually in the proportion in which they are entitled to share profit, in which they are entitled to share profit. देखिए, अकाउंट सेटल करने में आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बाय पार्टनर. पहला क्या है, लॉसेस इंक्लूडिंग किसमें, सबसे पहले कहां से पे होगी, उसके बाद फिर भी कम पड़ रहा है तो क्या करेंगे,
by partners individually कौन से proportion में in which they are entitled to share profit, उनको deficiency लानी पड़ेगी, losses और deficiency capital की जो भी कम पड़ रही है वो उनको लानी पड़ेगी, कौन से रेशियो में। चलिए अब देखिए, चलो हमने पैसा तो मंगा लिया, अब हमारे पास क्या पड़ी है, asset of the firm including contribution, ऊपर partners ने contribute किया कि नहीं किया, तो किसके लिए किया उन्होंने, टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। एसेट हमारे पास पड़े इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन बाय होम पार्टनर टू मेक अप द अबाउट है ना डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल मस्ट बी अप्लाइड इन फॉलोइंग मैनर एंड ऑर्डर। इस मैनर में अप्लाई करना है, सबसे पहले आउटसाइडर को पे करना है, सबसे पहले, फिर इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबल व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम, इधर आएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, नीचे भी वही है, फ्रॉम पार्टनर्स लोन अकाउंट लिखो नीचे, नहीं नहीं नीचे अकाउंट कैपिटल, देखो दोनों सेम ही है, इन पेइंग ईच पार्टनर रेटेबल व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम, तो पहला थर्ड पार्टी, फिर पार्टनर्स लोन, पहला थर्ड पार्टी, फिर, और रेटेबल का मतलब है प्रोपोर्शनेटली, अगर पैसा कम पड़ रहा है, पैसा कम पड़ रहा है तो टोटल लोन कितना है, टोटल लोन कितना है और आपके पास पैसा कितना है रेशियो में, अभी किसी के 3 लाख है, किसी का 4 लाख है, किसी का 5 लाख है, तो रेशियो 3 4 5 अगर पैसा कम पड़ रहा है तो इन फिर वापस लोन भी पूरा दे दिया फिर भी पैसा बचा है तो फिर कैपिटल का पे करना है, किसके लिए पे करना है कैपिटल, इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबल व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम अकाउंट ऑफ कैपिटल, वो भी रेटेबल अगर कम है तो, और ज्यादा है तो पूरा ही दे दो, एंड उसके बाद भी सरप्लस बन गया रेसिड्यू तो किसमें बांटोगे, पीएसआर में, किसमें बांटोगे, इट शैल बी डिवाइडेड अमॉन्ग द पार्टनर इन प्रोपोर्शन इन विच दे वर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट, तो पहले किसको, थर्ड पार्टी को, फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट, फिर पेइंग ईच पार्टनर रेटेबल, पेइंग ईच पार्टनर रेटेबल व्हाट इज ड्यू फ्रॉम हिम एज अ लोन, पेइंग ईच पार्टनर रेटेबल, पेइंग ईच पार्टनर व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, If surplus, the residue, if any, shall be divided among the partner, अगर कुछ बताए, shall be divided among the partner in proportion in which they were entitled to share profit. The asset of the firm, including any sums contributed by partner. वापस समझिए, asset of the firm, including sum contributed, किसने किया वो contribute? क्यू to make up the deficiency, किसकी deficiencies? Capital की, इस manner में apply करने हैं, पहला भार वाला, फिर लोन के लिए, फिर कैपिटल के लिए, और फिर भी एक्स्ट्रा बच जाए तो डिस्ट्रीब्यूटेड पीएस सार। ठीक है, क्लियर हुआ सेक्शन 48। तो सेक्शन 48 वापस क्या बोलता है, अकाउंट सेटल करने के लिए आपको सब्जेक्ट टू रूल्स एग्रीमेंट बाय पार्टनर्स, एक तो उनका सब्जेक्ट जो भी रूल्स है वो आपको फॉलो करने, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बाय पार्टनर। तो पहला क्या बोलता है, लॉसेस है इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी किसमें, कैपिटल, शैल बी पेड आउट ऑफ व्हाट, नेक्स्ट आउट ऑफ व्हाट, एंड फिर भी कम पड़ रहा है, नेसेसरी बाय पार्टनर्स इंडिविजुअली, लास्टली इफ नेसेसरी, लास्टली अगर नेसेसरी, इफ नेसेसरी बाय पार्टनर्स इंडिविजुअली इन प्रोपोर्शन, इंडिविजुअली इन प्रोपोर्शन इन विच दे वर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट बाय पार्टनर्स इंडिविजुअली, कौन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, पार्टनर्स इंडिविजुअली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशो में। चलिए सेकेंड, द एसेट ऑफ द फर्म, सेकेंड द एसेट ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग एनी सम, एसेट है फर्म के इंक्लूडिंग एनी सम, कॉन्ट्रीब्यूट किसने किया है, पार्टनर ने, टू मेकअप डेफिशियंसीज मस्ट बी अप्लाइड इन फॉलोइंग मैनर, और ये मैनर आपके दिमाग में बैठ गया होगा, क्लियर, कोई डाउट किसी को, तो ये हो गया आपका मोड ऑफ सेटलमेंट। तो आपके सेक्शन हुआ 45 किसका है, पार्टनर्स कंटिन्यू बी टू बी लाइबल, पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लाइबल आफ्टर, कंटिन्यूस टू बी लाइबल कब तक, जब तक नोटिस नहीं देते, notwithstanding the dissolution, notwithstanding dissolution, हाँ, partners continue to be liable, partners किसको liable है, to such third party for act done by any of them, which कुछ वो act किसका होता,
which would be act of the firm done before dissolution until public notice of dissolution is given. Until the public notice of dissolution is given. जब तक public notice नहीं देते तब तक आप liable हो as a partner. जैसे बाकी partners liable है आप भी liable रहोगे क्योंकि वो act किसका माना जाएगा. हमने देखा कौन liable नहीं है. स्लीपिंग पार्टनर लायबल नहीं है, डिसीज पार्टनर लायबल नहीं है और इंसॉल्वेंट. उनको पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं है. ये थर्ड पार्टी को भी बचा रही है और पार्टनर्स को भी बचा दिए. फिर हमने देखा राइट किसका. राइट ऑफ पार्टनर टू वाइंड अप द आफ्टर डिसॉल्यूशन, टू हैव बिजनेस वाइंड अप आफ्टर डिसॉल्यूशन. ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म एवरी पार्टनर एंड हिज एलआर इज एंटाइटल अगेंस्ट होम अदर पार्टनर. बुक्स में देखो, रिपीट करो जल्दी मेरे साथ. एवरी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव इज एंटाइटल अगेंस्ट ऑल पार्टनर और देयर रिप्रेजेंटेटिव टू हैव प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अप्लाइड इन पेमेंट ऑफ डेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ फर्म एंड इफ सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग पार्टनर और देयर रिप्रेजेंटेशन इन विच रेशियो अकॉर्डिंग टू देयर राइट्स. फिर 47 में देखा हमने कंटिन्यूइंग अथॉरिटी किसकी. पार्टनर्स की फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप. आपकी अथॉरिटी टू बाइंड द फर्म और आपके म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्या है, कंटिन्यू है. भले ही फर्म क्या हो चुकी है, डिसॉल्व, तो आप फर्म को भी बाइंड कर सकते हो. वो भी आपकी अथॉरिटी कंटिन्यू है और बाकी राइट्स या म्यूचुअल राइट्स और लाइबिलिटी जो भी है ऑब्लिगेशन वो भी क्या है, कंटिन्यू है, नॉट स्टैंडिंग विथ डिसॉल्यूशन. कब तक, लेकिन किस चीज के लिए, सिर्फ सो फार एज मे बी नेसेसरी टू वाइंड अप द अफेयर्स. सिर्फ वाइंड अप करने के लिए अफेयर्स ऑफ फर्म एंड टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन बिगिन बट अनफिनिश्ड एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन बट नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फर्म इज नॉट लायबल. फर्म इज नॉट इन केस बाउंड बाय द एक्ट ऑफ पार्टनर हु हैज बीन एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट. बट दिस प्रोविजो डज नॉट अफेक्ट, ये प्रोवाइडेड है इंसॉल्वेंट होने के बाद फर्म लायबल है क्या, नहीं. लेकिन बट दिस प्रोविजो डज नॉट अफेक्ट लायबिलिटी. अब ये प्रोविजो अफेक्ट नहीं करता अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट होने के बाद भी अपने आप को क्या करता है, रिप्रेजेंट या नोइंगली परमिट हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंट एज अ पार्टनर. अपने आप को वो करता है या फर्म आप दूसरे को अभी भी क्या बता रही है. फिर दोनों एक दूसरे के लिए लायबल हो गए क्योंकि आप अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, वरना लायबल है क्या, नहीं है. ये हमने पढ़ा है क्या, नहीं. रिप्रेजेंटेशन होल्डिंग आउट, अगर आप होल्डिंग आउट का अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो आप लायबल हो. क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं. और ये अभी 48 तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट क्लियर हो ही गया अपने को. नाउ लास्ट सेक्शन इस यूनिट का है सेक्शन 49. अब देखिए, मैं हूं पार्टनर हूं ए बी सी में, इसके भी असेट्स है इसकी भी लाइबिलिटीज है और मेरा एक खुद का पर्सनल बिजनेस भी है ए, इसके भी असेट्स है इसके भी लाइबिलिटीज है. हमने क्या सीखा था पार्टनरशिप के, लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड. अगर इधर कम पड़ेगा तो मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी से लिया जाएगा क्या, नहीं लिया जाएगा. लेकिन समझने की कोशिश करिए, पहले लायबिलिटी असेट्स किसके लिए जाएंगे, लायबिलिटी के लिए, फिर बचा हुआ इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो पहले इधर वाली लायबिलिटी इस पे ऑफ होगी, फिर जो बचेगा इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर ये ए की लायबिलिटी इसके लिए भी जा, ए का जो असेट इधर जो शेयर मिला वो इस लायबिलिटी के लिए भी जा सकता. वैसे ही यहां के असेट्स पहले इधर वाले लायबिलिटी में जाएगा, फिर बचा तो इस वाले लायबिलिटी के लिए. क्लियर, पर्सनल पहले पर्सनल के लिए, फर्म की पहले फर्म के लिए. तो देखिए, वेयर देयर आर जॉइंट डेट्स ड्यू फ्रॉम पार्टनर ड्यू फ्रॉम फर्म एज ऑल्सो सेपरेट डेट ड्यू फ्रॉम एनी पार्टनर. देखो, ये रही सेपरेट लायबिलिटी, ये रही जॉइंट लायबिलिटी. जॉइंट डेट्स है, ड्यू फ्रॉम फर्म भी है और सेपरेट डेट्स ड्यू फ्रॉम एनी पार्टनर. द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म किसमें अप्लाइड होगी, इन द फर्स्ट इंस्टेंट इन द पेमेंट ऑफ डेट्स ऑफ फर्म. मैंने पहले ही बता दिया किसमें यूज होगी, फर्म की प्रॉपर्टी. एंड इफ देयर इज एनी सरप्लस, सरप्लस है तो ऐसा नहीं कि चलो पूरा दे दो एक को, नहीं. क्या होगा, देन द शेयर ऑफ ईच पार्टनर शैल बी अप्लाइड, देन द शेयर ऑफ ईच पार्टनर, देन द शेयर ऑफ
each partner shall be applied to the payment of his separate debts or paid to him. अगर कोई separate debts है तो उसमें pay कर दो, नहीं तो उसको दे दो. तो वापस समझिए, the property of the firm किस first instance में किसमें apply होगी? firm की property. payment of debts of firm. and अगर कोई surplus बच गया, the share of each partner. अगर कोई surplus बच गया तो share of each partner किसमें apply होगा? to the payment of his separate debts, to the payment of his separate debts or paid to him. The separate property of any partner first instance में किसमें apply होगी? payment of separate debts. and if surplus है, in the payment of debts of firm. कोई doubt इसमें? तो सिंपल, पहला ये एसेट पर्सनल लाइबिलिटीज, ये वाला एसेट फिर भी बच गया तो इधर डिस्ट्रीब्यूट. फॉर इनमें डिस्ट्रीब्यूट जो इनका शेयर है वो इनके पर्सनल लाइबिलिटी के लिए जा सकता है. जो उनका शेयर है पूरा नहीं जाएगा, सबका अपना अपना है, तो वो अपने सेपरेट डेट्स के लिए जाएगा या फिर उनको पे कर दिया जाएगा. कुछ भी आना है ना 49 में, कोई दिक्कत, कोई डाउट, किसी भी तरीके का कुछ पूछने का है क्या? नहीं है ना. तो ये आपका हो गया सेक्शन 39 से 49. टोटल पार्टनरशिप में आपको सेक्शन याद करने हैं कंटिन्यूसली 49 तक. 38 यूनिट 2 में 9 से इधर है. 9 किसका है बेटा? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. 40 डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट. 1 कंपल्सरी. 2 एंड द हैपनिंग ऑफ सर्टन कॉन्टिजेंसीज. 3 नोटिस पार्टनरशिप एट विल. 4 कोर्ट. फिर 4 के बाद क्या है? अगर डिसॉल्व हो गई, पहले तो हम डिसॉल्व करने की बात कर रहे हैं, अब डिसॉल्व होने के बाद क्या? पहला लायबिलिटी ऑफ अंटिल पब्लिक नोटिस. कब तक लायबिलिटी रहेगी? फिर हमने 46 देखा, हर एक पार्टनर का राइट है टू वाउंड अप बिजनेस. 47 में पावर क्या है? कंटिन्यू अथॉरिटी क्या है? ओनली वोर भी सिर्फ किसके लिए? डिसॉल्यूशन के लिए, वाइंडिंग अप के लिए. फिर 48 क्या है? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स. अकाउंट्स कैसे सेटल करने हैं. एंड अगला है 49, पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स एंड सेपरेट डेट्स. प्रॉपर्टी फर्म की है, फर्स्ट इंस्टेंस में किधर अप्लाई होगी? फर्म के डेट्स में. फिर भी सरप्लस बच गया तो क्या होगा? ईच शेयर. सरप्लस बचने के बाद द शेयर ऑफ ईच पार्टनर, हाँ, किसमें अप्लाई होगा? सेपरेट डेट्स और पेड टू हिम. फर्म की प्रॉपर्टी है, सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर शैल बी अप्लाइड फर्स्टली, और फिर भी बच गया तो किसके डेट्स में? मोड ऑफ सेटलमेंट, है ना. मोड ऑफ सेटलमेंट में हमने क्या देखा? इन सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन द फॉलोइंग रूल शैल बी सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बाय पार्टनर. लॉसेस इंक्लूडिंग किसकी डेफिशिएंसीज फर्स्टली किधर से देनी है? फिर एंड फिर नेसेसरी हुआ तो इंडिविजुअली इन द प्रोपोर्शन इन विच दे आर एंटाइटल टू शेयर उनसे मंगवाना है. अब चलो हमने एसेट मंगा ली, एसेट पड़ी हमारी, प्लस सम एनी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर इंक्लूडिंग एनी सम कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एनी पार्टनर टू मेक अप द डेफिशिएंसी किसकी? कैपिटल की. मस्ट बी अप्लाइड इन फॉलोइंग मैनर. फर्स्ट इन पेइंग द डेट्स ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टी. इन पेइंग ईच पार्टनर रेटेबल व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम हिज लोन अकाउंट. लोन. फिर थर्ड पॉइंट है, इन पेइंग ईच पार्टनर व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल. एंड फोर्थ डी रेसिडुअल, है ना. इफ एनी सेल शैल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन द प्रोपोर्शन इन विच दे आर एंटाइटल टू शेयर प्रॉफिट. 45 से 49 क्लियर? पहले के हो गए उसके हमारे, तो कृपा करें नो सब एक बार रीड करके देखो पूरा हमारे दिमाग में हमको प्रोविजन सकट सेक्शन सकट याद है या नहीं, सारा का सारा देख के लो एक बार. तो सेक्शन 39 से 49 तक आपका हो गया. इसमें बार बार देख लो, नहीं समझता है तो, और एक एक शब्दों पे फोकस करो. पहले वो सेक्शन का जो हेडिंग है उस पे जोर दो कि वो सेक्शन की हेडिंग में ही सब कुछ आप उसमें ड्राफ्ट करो. पूरा सेक्शन का सब कुछ जो भी है उस सेक्शन में ही, उस हेडिंग में ही रखो. और आपको वो उसका क्रंच पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली सेक्शन क्या स्पीक करता है. आप बाकी अपने हिसाब से याद कर सकते हो धीरे धीरे, फिर अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो. अगर ऐसी लैंग्वेज याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो. क्लियर हुआ? सबसे पहले हमें बात करनी होती है, सेक्शन 39 बोलता है फर्म डिसॉल्व होती है.
फिर 40 से 43 बोलता है वॉलेंट्री डिसॉल्यूशन या विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट, उसमें पहला एग्रीमेंट आता है, दूसरा कंपल्सरी आता है, तीसरा कुछ हैपनिंग ऑफ कॉन्टिजेंसीज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर एंड पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल वाली आती है तो उसको कैसे डिसॉल्व करनी है अगर विल वाली है तो, है ना। फिर आता है आपका 44 कोर्ट के ऑर्डर के, कोर्ट कब ऑर्डर करती है, अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो चुका है तो परमानेंटली इनकैपेबल हो चुका है, अगर कोई मिसकंडक्ट कर रहा है या बार बार एग्रीमेंट का ब्रीच कर रहा है या किसी ने इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया है, परपेंचुअल लॉसेस हो रहे हैं एंड लास्ट जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड। फिर 45 से 49 हमने पढ़े डिसॉल्यूशन होने के बाद पब्लिक नोटिस तक पार्टनर्स लायबल है थर्ड पार्टी को किसी भी एक्ट के लिए किसी भी पार्टनर ने किया तो। फिर हमने देखा 46 पार्टनर्स का राइट है कि जल्दी जल्दी बिजनेस को वाइंड अप करे, बाहर वाले को पैसा दे और जो भी बच गया वो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर ले, हर एक पार्टनर का अधिकार है और पार्टनर नहीं है तो उसका एलआर का है अगेंस्ट अदर पार्टनर एंड एलआर। फिर हमने देखा 47 अथॉरिटी आपकी कंटिन्यू रहेगी और आपके जो म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है वो भी कंटिन्यू रहेंगे ओनली फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंड अप करने के लिए अफेयर्स और ट्रांजेक्शन जो स्टार्ट किए थे लेकिन एंड नहीं हुए उन्हीं के लिए और किसी के लिए नहीं। फिर वही हमने देखा एडजोंडिकेट होने के बाद, एडजोंडिकेट होने के बाद पार्टनर्स फर्म के एक्ट के लिए लायबल नहीं है, फर्म पार्टनर के एक्ट के लिए लायबल नहीं, फिर भी वो पार्टनर या फर्म एक दूसरे को रिप्रेजेंट करती है वो इंसॉल्वेंट होने के बाद भी, फिर आपकी लायबिलिटी वैसे ही रहेगी, फिर फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। फिर हमने देखा 48 सेटलमेंट, मोड ऑफ सेटलमेंट किसका, अकाउंट्स का, पार्टनर्स कैसे सेटल करेंगे, पहले तो कंट्रीब्यूट करेंगे अगर कम पड़ रहा है तो, फिर असेट्स और वो कंट्रीब्यूट सब मिला के एक एक को पे करते जाएंगे। और 49 हमने देखा डेट्स पर्सनल भी है, डेट्स फर्म की भी है, तो फर्म के असेट्स फर्म के डेट्स में, पर्सनल असेट के पर्सनल डेट्स के लिए पर्सनल असेट्स, फिर भी एक दूसरे में बच जाए तो इधर उधर हो सकते हैं। समझ में आ गई हो सेक्शन, तो रिविजन कर लेना इसका बार 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 बार। ओके चलिए ये सेक्शन यही तक के पूरे खत्म करते हैं 49 तक।